अकेला मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप देख रहे थे प्लस बार टीवी सनस नाला ये आज एक नई वीडियो के साथ। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो बहुत ज्यादा मतलब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए, बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो उम्मीद करते कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी फुटवेयर कलेक्शन, जो कि मतलब मेरे अपने घर की है, जो कि मैंने डेली रूटीन पे ये मेरे फेवरेट शूज हैं, जितनी भी कलेक्शन वगैरह जो भी है फुटवेयर की, वो सारी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपना ये नेकलेस, जो कि मेरे एक स्टूडेंट ने दिया था और मैंने आज मतलब इस तरह का ड्रेस वेयर किया, तो मुझे लगा कि ये पहनना चाहिए, ये सूट करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा सूट कर रहा है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन टू हिम, तो बहुत अच्छा स्टूडेंट है मेरा, उसे मैं थैंक यू बोल रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ वो मेरा वीडियो देख रहा होगा और वो मतलब मेरा थैंक यू एक्सेप्ट कर रहा होगा। तो उसके बाद व्यूअर्स, अभी मैं आपके साथ जितनी भी अपनी फुटवेयर कलेक्शन है वो शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको सबसे मोस्ट फेवरेट जो मेरा जूता ना वो दिखाती हूँ। चले तो प्यारे व्यूअर्स, ये देखिए ये मेरा रेड कलर का जूता जो मुझे बहुत पसंद है और मैंने ये लिया था हील से, और वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट जूता है। और इसमें मैं बहुत ज्यादा इजी और कंफर्ट होती हूँ, मुझे जितना भी मैं इसे जिस तरह भी स्टाइल करूँ या जिस तरह मैं इसमें भागूँ भी या जो भी करूँ, ये इसमें मैं बहुत इजी और कंफर्ट रहती हूँ। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, इसे मैं मतलब खोना नहीं चाहती और हमेशा इसे मैं संभाल कर रखती हूँ, जिस तरह भी हो इसे मैंने पैक रखना होता है। और ये मतलब मेरा लकी जूता भी और मेरा फेवरेट जूता भी, और देखिए किस तरह ये कितना प्यारा और यूनिक है। और इसे मैंने एक वेयर किया हुआ ड्रेस के साथ, वो मैं आपको पिक्चर शेयर करूंगी जरूर, उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगी। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना नेक्स्ट वन जूता। तो प्यारे व्यूअर्स, ये मेरी है गोल्डन कलर की हील जो कि मैंने बोजान से ली थी, और ये देखिए वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ये भी है, मतलब वो ज्यादा फेवरेट है। ये थोड़ा सा कम है क्योंकि मैं इसमें मुझे लगता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी बहुत इसकी प्यारी हील है। ये देखें इसका कितना प्यारा मतलब गोल्डन में है और ऐसे जैसे मतलब शाइन करने वाला। ये भी बहुत अच्छा जूता है और इसमें मैं मतलब अपनी फ्रॉक्स वगैरह के नीचे या किस तरह का भी हो इजीली पहन लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए किस तरह के कॉम्बिनेशन इसका, और कॉम्बिनेशन हर ड्रेस के साथ इतना को प्यारा लगता है ना। अभी मुझे लग रहा है कि मेरे पाँव बहुत ज्यादा मोटे आ रहे हैं क्योंकि मैं बहुत करीब से कैमरा मतलब है, लेकिन फिर भी मेरे पाँव बहुत स्लिम है। जैसे मैं स्लिम हूँ इसी तरह मेरे पाँव भी स्लिम है, लेकिन अभी लग रहा है कि जैसे मेरे काफी ज्यादा वेन्स घर नजर आ रही है और पाँव भी काफी बड़े बड़े लग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भी पसंद आया होगा। ये देखिए इसकी हील इतनी ज्यादा लंबी भी हील नहीं है, नॉर्मल सी हील है और गोल्डन कलर में, और उसका कम्बिनेशन और शाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है देखें। और ये मैंने बहुत जान से लिया था। तो प्यारे व्यूअर्स, अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना ये स्किन कलर का कोट शूज, देखें ये कितने प्यारे हैं। और इसका जो साइड टसल है ये मुझे बहुत अच्छा लगा था इस तरह का, और मैं मतलब इसलिए काफी ज्यादा इजी और कम्फर्ट फील करती हूँ। ये देखिए किस तरह, और मतलब बिल्कुल भी मतलब ऐसे तंगी महसूस नहीं हो रही, बिल्कुल ईजी सा है, मैं बहुत ज्यादा इसमें मतलब ये भी इजी और कंफर्ट है, इसलिए ये भी मेरी चॉइस में पसंद है, मेरा फेवरेट है। मेरी बहन को भी बहुत अच्छा लगता है, ज्यादातर वही वेयर करती है, लेकिन मैं कभी हो जब मैं पहन लूँ, लेकिन अदरवाइज ज्यादा वही पहनती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है कुछ इस तरह से। सो गाइज, अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना ये पिंक कलर का कोट शूज, देखिए कितने प्यारे हैं। और ये मैं इसमें बहुत ईजी और कम्फर्ट है, तो ये भी मेरा बहुत अच्छा शूज है, मतलब जितना मैं इनकी तरीक करूँ उतनी काम है। और ये देखिए इसकी बैक पे बो लगी हुई है, कितनी प्यारी लग रही है, और किस तरह का इसका कम्बिनेशन कंट्रास्ट उन्होंने बनाया बिल्कुल लाइट कलर में। और ये भी ऐसा मतलब ऐसे कोट शूज हैं जो मतलब किसी भी ड्रेस के साथ वेयर करने तो अच्छे लगते हैं, व्हाइट के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, पिंक के साथ भी, और सर मतलब जो लाइट कलर्स होते हैं उनके साथ, और जो मतलब सीरियस स्टाइल कपड़े या थ्री पीस पहनती हूँ मैं उनके साथ, ये बहुत अच्छे लगते हैं और मैं अक्सर इनको वेयर करती हूँ, मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये भी बहुत ईजी और कम्फर्ट है। तो गाइज, ये देखिए ये मैंने ली थी स्टाइलो से जूता, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसकी हील कुछ इस तरह से, और ये देखिए कितना इजी और कंफर्ट है। जिस तरह भी आप चलना चाहें, जो भी करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं। और ये देखिए इसका कलर है मेरून कलर, और अभी रेडिश में हो रहा है लेकिन फिर भी मेरूनिश है। और ये मैंने एक दफ़ा ईद के फर्स्ट डे के लिए ड्रेस पहना था, उसके नीचे मैंने इसे वेयर किया था, आपने जरूर देखा होगा। तो देखें ये भी कितनी प्यारी ये जूती है, और स्टाइलों का तो बात ही अलग है, जितनी भी उसकी ट्रीट करी जाए उतनी कम है, और उसके जूते तो उसकी क्वालिटी उसकी वरायटी बहुत ही अच्छी है। तो प्यारे व्यूअर्स, ये देखें ये भी स्किन कलर में और पिंकिश कलर में आ रहा है ये जूता, और इसकी हील कुछ इस तरह से है ये देखें, और ये भी बहुत इजी और कंफर्ट है। और मतलब ज़्यादातर मामा ने ये जूता पहन लिया और काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको भी अच्छा लगा था और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। और मैं इसे अक्सर अपने जो भी मतलब ड्रेसेस वगैरह थ्री पीस या दुपट्टे के साथ जो भी होते हैं मतलब डिजिटल प्रिंट वाले जिस तरह के भी होते हैं उनके साथ इसे वेयर करती हूँ, बहुत ईजी है, और जिस तरह भी चलना चाहेंगे जो भी करना चाहेंगे ईजीली कर सकते हैं। ये देखें कितना प्यारा इसका जाल बना हुआ है इस तरह नेक टाइप, ये बहुत अच्छे हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, ये देखें ये ब्लू कलर में जूता है और जो कि मैंने बोजान से लिया था, और ये भी कोट शूज टाइप है, और इसके ऊपर जो बकल्स हैं ये इतने प्यारे लगते हैं व्यूअर्स, ये बहुत अच्छा है। ये भी इजी है कम्फर्ट, और इसकी हील भी इतनी ज्यादा नहीं है, नॉर्मल हील मुझे ज्यादा पसंद आती है, इतनी ज्यादा मैं हील नहीं पहन सकती, पहनती हूँ लेकिन बहुत ज्यादा जब दिल करे, अदरवाइज मैं ज्यादातर हील्स नहीं पहनती हूँ, इस तरह की नॉर्मल हील्स पहनती हूँ। ये देखें व्यूअर्स कितना ईजी और कम्फर्ट है ये जूता, जिस तरह भी आप चलना चाहें जो भी स्टाइल करना चाहें तो आप कर सकते हैं।
तो प्यारे व्यूअर्स ये देखें, ये भी स्किन कलर में और इसका भी थोड़ा सा पिंकिश पिंकिश आ रहा है। तो ये मैंने स्टाइलो से लिए थे कोट शूज, ये देखें कितने प्यारे हैं और ये भी बहुत इजी और कंफर्ट है। आपने मोस्टली देखा होगा मेरी वीडियोस में, मैं ये वाला मस्ट पहनती हूँ। ये मतलब ये बहुत ईजी है व्यूअर्स, जिस समय भी चलना चाहिए जो भी करना चाहो मैं इसमें ईजी रहती हूँ। ये देखें इसकी हील इतनी है, काफी ज्यादा लंबी हील नहीं है और इसकी जो शेप आगे कोट शूज टाइप है ना इस तरह, और इसके ऊपर बकल वगैरह तो नहीं लग, लेकिन इसकी कोट शेप है ना जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। व्यूअर्स अब आपको दिखा रही हूँ अपनी सैंडल जिसके ऊपर काफी अच्छी बो बनी हुई है, ये देखिए किस तरह की। और ये सैंडल मुझे बहुत ही इजी और कंफर्ट है, ये देखिए टाइट्स के नीचे तो बहुत ही आसम लगती है जितनी भी। और मोस्टली आपने देखा होगा इस तरह के मैंने काफी सारे जूते दिखा रही, मुझे नहीं पता कि लकीली मेरे पास मोस्टली स्किन कलर की या पिंक कलर की या इसी कलर में जूते मतलब हो रहे हैं इकट्ठे। काफी सारा चार पेयर तो मैं दिखा चुकी हूँ, ये पांचवा पेयर है जो इस कलर में है और मुझे लग रहा है ये मेरा मोस्ट फेवरेट कलर जो कि जूतों के लिहाज से। और काफी सारे इस तरह के मेरे पास जूते हैं और ये देखिए किस तरह के और इजी है, इस तरह किसी तरह भी हम कर सकते हैं, कोई एक्शन वैक्शन कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपके साथ अपनी शूज कलेक्शन तो शेयर कर रही थी, लेकिन मैंने कहा आपके साथ एक और भी बात शेयर करूँ, वो ये है कि जिस तरह का ये मेरे पास पेयर है इसी तरह मेरी सिस्टर का भी पेयर है। मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था हम जैसे ट्विंस मतलब एक जैसे ड्रेस वगैरह करती हैं, इस तरह के हमारे एक जैसे जूते भी हैं। और ये देखें ये ग्रे कॉपर ग्रे कलर में है, इस तरह से थोड़ा सा मतलब ग्रे टाइप आ रहा है इस कलर में, और मेरा देखें ये कलर है, ये सपना का और ये मेरा। इसी तरह ये जो मैंने आपको दिखाया ना अपनी सैंडल इसी कलर में, काफी ज्यादा कलर है, रेड भी है और गोल्डन भी है, गोल्डन मतलब प्रिंसेस का है और रेड सपना का और ये वाला पिंक मेरा है। इस तरह के हमारे काफी ज्यादा जूते एक जैसे भी है। तो पहले भी ये देखें ये मामा का जूता है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब जो ऊपर बकल लगा हुआ है इसकी वजह से और इसका जो कंट्रास्ट और कॉम्बिनेशन है इस वजह से मैं इसे जरूर वेयर करती हूँ अक्सर अपने जो भी मतलब डिजिटल प्रिंट कुर्ता वगैरह या जिस तरह कभी या थ्री पीस सूट पहन उसके साथ बट्टा हो तो कैरी करना, तो ये जूता बहुत अच्छा लगता है, ऑसम लगता है, तो इसलिए मैं इसे जरूर वेयर करती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से, और ये भी बहुत ईजी है इस तरह से, इसकी हील भी इतनी ज्यादा ऊंची नहीं है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल सी हील है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बकल देखे कितना शाइन करता है और कितना मतलब प्यारा है, इसलिए मैं इसे जरूर पहनती हूँ। तो प्यारे व्यूअर्स ये देखे ये भी मेरा मतलब एक प्यारा सा जूता है जो कि ज्यादातर मामी पहनती हैं क्योंकि काफी ओल्ड हो चुका है, लेकिन ओल्ड इज गोल्ड। अक्सर मैं भी पहनती हूँ लेकिन ज्यादातर मामा पहनती है, मामा कहती है इसमें मैं बहुत इजी रहती हूँ। तो उनका मेरा एक जैसा साइज है, हम मतलब जितनी भी मेरी बहनें हैं तीनों बहनों का और मामा का एक ही साइज है, हम मतलब अपने जूते शेयर करती हैं जरूर। और ये मतलब ये देखें किस तरह है, नॉर्मल सा है, प्यारा सा है और ये भी उसी कलर में है और मेरा फेवरेट है। तो गाइज अब मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ गुस्सा जो कि वेडिंग फंक्शन वगैरह के लिए, और ज्यादातर मैं नहीं पहनती, मामा पहनती हैं, उनको बहुत प्यारा लगता है, उनके मैरून ड्रेस के साथ नीचे बहुत अच्छा लगता है। और अक्सर भी कोई फंक्शन हो वेडिंग फंक्शन वगैरह तो ऐसा कोई ड्रेस हो जिसके साथ ये नीचे वेयर करें या अच्छा लग रहा हो तो ये जरूर पहनते हैं। और मामा का ज्यादा फेवरेट है, मामा ज्यादा पहनती है और मैं कम पहनती हूँ, लेकिन मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये जितने भी जूते मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सारी मेरे जूते हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी मैंने आपके साथ अपनी जितनी भी एंटायर शूज कलेक्शन है वो नहीं शेयर की, बल्कि आपके साथ अपनी फेवरेट वन शूज शेयर कर रही हूँ। प्यारे व्यूअर्स अभी मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, लेकिन अभी जो विंटर कलेक्शन है वो अभी रहती है, तो इस तरह मेरी इंटायर शूज कलेक्शन आपके साथ शेयर होगी। लेकिन अभी के लिए मैं अपने जो फेवरेट जूते हैं जो मैं अक्सर पहनती हूँ या आने जाने के लिए किसी भी फंक्शन के लिए या ईद के लिए कोई भी फंक्शन हो उसके लिए पहनते, तो वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए किस तरह का प्यारा सा कुछ है और कितना प्यारा शाइन कर रहा है, ऐसे जैसे हीरे चमक रहे हैं। और ये देखिए तो प्यारे व्यूअर्स अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैरून कलर में कोट टाइप मतलब बिल्कुल फ्लैट है। ये शूज मतलब मुझे बहुत इजी और कंफर्ट लगते हैं, ये अक्सर मैं मतलब जो अपने नॉर्मल ड्रेसेस वगैरह यहाँ आने जाने के लिए बाजार वगैरह जाऊँ तो पहन के जाती हूँ। ये मैंने लोकल मार्केट से लिए थे, सेल लगी हुई थी तो मुझे बहुत अच्छे लगे तो मैंने कहा ले लेती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से, कितनी प्यारी इसकी शेप और कलर का बहुत अच्छा लगा था और उसकी मतलब उसकी लुक बहुत अच्छी लग रही थी तो इसलिए मैंने ले लिया। और ये मैंने मतलब सेल था तो मैंने कहा लोकल मार्केट से मैं गई हुई थी कुछ चीज़ें वगैरह खरीदने के लिए तो मैंने कहा ये ले लेती हूँ फ़ौरन, और मैंने कहा बस ले लिया। और ये बहुत अच्छा लगा वाइट के साथ, और एक मैंने मैरून और अजरक टाइप ड्रेस था उसके साथ इसे वेयर किया तो उससे भी ज़्यादा ऑसम लगा था व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये भी पसंद आएगा। तो प्यारे व्यूअर्स जो ये मैंने आपको जूता दिखाया इसी तरह का ब्लू कलर का है वो मेरी सिस्टर सपना का है, तो हम दोनों ने मिलकर लिया था और वो दोनों मतलब जो ड्रेस थे सिंपल ड्रेस थे उसके साथ ये कलरफुल मतलब ये जो कलर में डार्क कलर में जूते थे बहुत अच्छे लगे थे, उसका ब्लू कलर का मेरे मैरून कलर का। सो गाइज अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्लैक वन कोट शूज जो कि मतलब ये भी मतलब इजी और कंफर्ट है, बहुत इजी है। और ये मैंने इतना कुछ ज्यादा वेयर किया हुआ, इतना कुछ ज्यादा वेयर किया और मोस्टली स्कूल में पहन के जाती थी अक्सर। ये देखिए कुछ इस तरह की हालत हो गई है इनकी, काफी खराब हालत है लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और अक्सर मैं इनको पहनती तो मतलब जिस तरह की दूसरों की ग्रेस नहीं आती इनकी बहुत अच्छी ग्रेस आती है।
व्यूअर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखें, ये भी शाइन करते हैं, चमकीले प्यारे और बहुत अच्छे लगते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, अब मैं आपके साथ अपना शेयर कर रही हूँ लास्ट मंथ फेवरेट जूता, जो कि गोल्डन कलर में है और बहुत प्यारा स्किन कलर भी आ रहा है, लेकिन गोल्डन ज्यादा आ रहा है और इसकी हील कुछ इस तरह से, और ये भी बहुत ईजी और कम्फर्ट है। जितने भी आपने शूज देखे होंगे, किसी की भी हील काफी ज्यादा लंबी नहीं है, बहुत इजी और कम्फर्ट है, शॉर्ट सी हील्स है, मुझे इसी तरह पसंद है। और ये देखें इसकी शेप कैसी है और प्यारी है। ये भी बहुत ड्रेस, हर ड्रेस के साथ बहुत अच्छा लगता है और इसे मैं जरूर वेयर करती हूँ मोस्टली। ये और ये मेरे पाँव पे इतने अच्छे लगते हैं, इसलिए मुझे बहुत पसंद है और इसकी शेप बहुत अच्छी है व्यूअर्स, तो देख सकते हो आपको पसंद आई होगी। सो गाइज, ये वीडियो शूट करके मेरी हालात कुछ इस तरह हो गए, जितने भी मैंने अपने फेवरेट शूज थे वो आपके साथ शेयर कर लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपने इस वीडियो को जरूर लाइक करना है, प्यारे प्यारे हाथों के साथ जरूर लाइक को प्रेस कर दें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत प्यारे कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है। और आपने इसी तरह मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जितनी भी मेरी वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। और आपने शेयर करना ताकि जितने भी और ज्यादा आपके नेबर्स वगैरह हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो भी मेरी वीडियो से इसी तरह एंजॉय करें। मतलब काफी ज्यादा मैं नए नए टॉपिक्स लेके आ रही हूँ, अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो वो भी आप मुझे बताएं ताकि उसके मुताबिक मैं वीडियो बनाऊं। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जब आप मुझे कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उस तरह की पूरी वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे जितने भी फेवरेट शूज है वो पसंद आए होंगे। तो मैं अपने जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आप उसे जरूर विजिट करना, वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप मेरी लाइफ के बारे में और अदर मतलब वीडियोज के हवाले से और कोई भी अपडेशन चाहते हैं तो उस पर काफी ज्यादा मैंने पोस्ट करी हुई है, स्टोरी वगैरह उतनी है, वो आप जरूर विजिट करें, आपको बहुत पसंद आएगी, तो जरूर फॉलो कर लें। तो इसी तरह भी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, अभी के लिए मुझे इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।